नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पीडीएस लाभुकों द्वारा राशन डीलर पर मनमानी करने के आरोप को लेकर निरसा बीडीओ सह खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी विकास राय ने शिकायत के आधार पर शुक्रवार को कुमार धुबे स्थित सावित्री देवी की पीडीएस दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने जांच के दौरान पाया कि राशन डीलर द्वारा बोर्ड पर राशन वितरण का समय वितरण और सही समय पर लाभुकों को राशन नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने पीडीएस दुकान के संचालक वरुण कुमार को हिदायत दी कि तय समय पर दुकान खोलें और लाभुकों को उचित राशन मुहैया करें। बीडीओ विकास राय ने कहा कि उन्हें यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि राशन कार्ड धारियों को तय समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। उसी शिकायत के आलोक में वह कुमार धुबी सावित्री देवी की पीडीएस दुकान पर जांच करने आए। शिवलीबाड़ी पूरब पंचायत के मुखिया तनवीर आलम की ओर से उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई। इसे लेकर वह मुखिया से नाराज दिखे। उन्होंने मुखिया को भी हिदायत दी कि अगर किसी प्रकार की खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत हो तो शिकायतकर्ता से लिखित में शिकायत लें और उसे संबंधित विभागीय अधिकारी से संपर्क करें, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सुनी सुनाई बात पर मीडिया में बयानबाजी ना करें। अगर जो भी डीलर समय पर कार्डधारियों को राशन मुहैया नहीं कराते हैं तो वैसे डीलरों पर कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैसे लाभुकों को चिन्हित करें जो सरकारी चावल को उठाकर उसे बेच देते हैं। वैसे लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें जानकारी दें, वह वैसे लाभुकों का कार्ड निरस्त करने का काम करेंगे। शिवलीबाड़ी पूरब के मुखिया जो है और उनके साथ कुछ कार्डधारी थे जिनके द्वारा पेपर में निकला था, आरोप लगाया गया था कि सावित्री देवी लाइसेंस नंबर 2 NRS 2011 जो डीलर है ये दुकान समय पर नहीं खोलते हैं, और कुछ कार्डधारियों का आरोप था कि हमको राशन नहीं प्राप्त हुआ है। आज इनके दुकान पर आए, हमने जांच किया, जांच में पाया कि जो राशन कार्डधारी राशन नहीं लिए थे उनको इनके द्वारा आज राशन दे दिया गया था, और इनके द्वारा बताया गया कि हम कल माल लेके आए थे इसलिए हम वितरण नहीं कर सके थे, और बोर्ड पर देखा गया कि दुकान खुलने का समय अंकित नहीं है। इनको निर्देश दिया गया कि इसको तुरंत अंकित करवाएं कि दुकान खुलने का समय क्या होगा, और बाकी आवेदन हमको प्राप्त हुआ है जो कार्डधारियों का, इसके जांच हेतु हम लोग एक टीम बना के यहाँ जाँच करवाएंगे। अभी प्रथम दृष्टया जो पाए हैं वो आप लोगों को बताएं।